मैं लवना गुप्ता आप सभी को भरतनाट्यम नृत्य जो कि भारत में बहुत ही लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्यों में एक है, जिसे सबसे पुराना नृत्य भी कहा जाता है, जिसे भगवान शिव ने सर्वप्रथम किया था। उस नृत्य के कुछ सामान्य मुद्राओं, उसके स्टेप्स के बारे में मैं आज कुछ बताना चाहता हूँ। अभी हम चलेंगे पहले अड़ाव की तरफ। भरतनाट्यम की भाषा में स्टेप्स को अड़ाव बोला जाता है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी स्टेप फर्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, जिसे तत् अड़ाव कहा जाता है। तत् अड़ाव में 8 प्रकार होते हैं और तत् अड़ाव का मेन मोटिव यह होता है कि हम किस तरह से अपने पैरों के बैलेंस को, अपने बॉडी के बैलेंस को बना के रखते हैं। तत् अड़ाव सिर्फ पैरों द्वारा किया जाता है, ठीक है। तत् अड़ाव जो कि भरतनाट्यम नृत्य का बहुत ही बेसिक और प्राइमरी स्टेप माना जाता है, जिसको हम सिर्फ पैरों द्वारा करते हैं। इसको इसलिए किया जाता है कि हम अपने पैरों का बैलेंस, अपने शरीर बॉडी का बैलेंस बना सकते हैं, ठीक है। सिर्फ हमारे घुटने के नीचे का भाग इस पूरे नृत्य को करता है। इस स्टेप में टोटल 8 प्रकार के स्टेप्स हैं, ठीक है। 8 हम एक एक करके देखेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमें सिर्फ पैरों द्वारा करना है। हमारे हाथ हमारे कमर पर रहेंगे, जो बॉयज हैं वो इस तरह से, जो गर्ल्स हैं वो इस तरह से, ठीक है। और हम अपने कमर पर हाथ रख करके भरतनाट्यम की सेकेंड पोजिशन अर्थात हाफ सिटिंग पोजिशन में अपने आप को रखेंगे, जिसको भी कहते हैं आरामंडी। ओके, आरामंडी में हम अपने पैरों को टैप करेंगे। अपने पैरों को टैप करने के लिए सबसे पहले जब अगर हम राइट लेग को अप करेंगे तो इसको हम लेग के पहले अपने बैक को टच करेंगे, लाइक हियर इट विल गो अप। ओके, एंड इट विल बी टैप लाइक दिस। मतलब हमें पूरे बल के साथ पैर को एकदम ऊपर तक उठाना है और टैप करना है। इस बीच हमें यह ध्यान देना है कि हमें ऐसे मतलब नॉर्मल नहीं करना कि हमें साइड में उठाना है। नो, इट विल नॉट गो साइड, इट विल गो हियर। 1, वी विल टच आवर बैक, वी विल डू लाइक 1 अप 2, इट विल बी राइट एंड लेफ्ट। ध्यान देना है, हम जब भी पैर उठाएंगे या रखेंगे आवर बॉडी विल बी नॉट लाइक दिस, इट विल बी नॉट गो एंड अप, इट विल बी हियर स्ट्रेट only, our leg movement should be there, like I am going once, tat kado first, you are please watch it carefully, ready, 1, 2, 3, start, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, and 2, it was the first one, okay, अब हम दूसरे step को करेंगे, tat kado second, ठीक है, tat kado second में हमें क्या करना है, same है, जैसे हमने फर्स्ट किया सेम उसी तरह हमें सेकंड करना है। फर्स्ट में हमने एक बार राइट और एक बार लेफ्ट को टैप किया, सेकंड में हमें दो बार राइट और दो बार लेफ्ट को टैप करना है, ठीक है। सेकंड हम करते हैं, आप मेरे पैरों को ध्यान से देखिए, रेडी 1, 2, 3 स्टार्ट, 1, 2, 3, it was the third one, okay। इसके बाद हम fourth करेंगे, fourth पर भी same रहेगा, fourth पर हम right leg को 4 बार टैप करेंगे और left leg को 4 बार, जो कि इस तरह से है। So first we will sit in aramandi and we will keep our hand here very tightly and 4 beat कैसे करेंगे, 1, 2, 3, go, 1, 2, 3, 4, left, 1, 2, 3, 4, right, 1, 2, 3, 4, left, 1, 2, 3, and 4, it was the fourth tat adab,
ओके, जिसमें चार बीट होते हैं।